पर निकल आए थे ना तेरे, कोई बात अब तेरे पर मैं कतर डालेगी। अब मैं तेरे को ऐसे पिंजरे में बंद करेगी कि तू उड़ने का सपना भी नहीं देख पाएगी। रानी, हमारा पुत्र मिल गया। हाँ बेटा, हमारा मानव हमारे पास है। चोर, माय गॉड, चोर, चल रुको बेटा, चलिए। रानी, अब जल्दी से मानव को पकड़िए। चिल्ला क्यों रही है? यहाँ पे बहुत सारी रानियां हैं। देख ले कौन सी रानी चाहिए। मुझे ये रानी चाहिए। पहचानते हैं आप इसे? मैं इसे ढूंढ रही हूँ। ये बच्ची है, इसे ढूंढ रहे हैं। ये रत्ना बाई का कोट है, समझे? चुपचाप वट ले यहाँ से, रानी नहीं मिलेगी। ये मेरी बेटी है और मैं इसे लिए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं। हम यहाँ अपनी बेटी को रोक रहे हैं, रोक सको तो रोक। चलो मीठी, दो लोग आए हैं इधर, रानी को ढूंढ रहे हैं। मुकु बेटा, वहां कहां जा रही हैं आप? रुकिए बेटा, मुकु क्या कर रही हैं आप? Yeah.
आपका दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़िए उस रानी को, चलिए। नानी आप मानव का ध्यान रखिए। नानी जल्दी। नानी आप। चल। चलिए मुक्को। बहुत दिन फड़फड़ा ली तू, तेरी माँ ने बहुत सताया है मेरे को, अब उसका हिसाब तू चुकता करेगी, समझ गई क्या? डाल रहे इसको गाड़ी में, चल। ये क्या कर रही थी आप? ये मानो को कुछ हो जाता तो माफ करना रानी, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। तुम आगे वाले कमरे में देखो, मैं यहाँ दिखता हूँ। रानी मिली तुम्हें? रानी किसी भी कमरे में, सारे कमरे में मैंने उसे ढूंढ लिया। रानी को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते आकाश, हमें रानी को ढूंढना होगा, कुछ भी करो लेकिन रानी को ढूंढ के लाओ। ये मुक्ता और विष्णु, हो सकता है कि रानी उनके घर पे गई हो। मुक्ता हमें अभी चलना चाहिए उनके। हाँ चलो। क्या हुआ बेटा, फिर से गाड़ी क्यों रोक दी आपने? ड्राइवर दीदी! क्या सोच रही हैं? हम रानी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते रानी, उन गुंडों के पास छोड़ दिया हमने। रानी रानी रानी, मानव से बढ़कर हो गई आपके लिए वो रानी। हमने मानव के लिए रानी को उन गुंडों के पास छोड़ दिया नानी, क्या जवाब देंगे मीठी को? एक बार भी नहीं सोच रही कि मीठी कुछ नहीं सोच रहे हम। इस वक्त सिर्फ हमें हमें सिर्फ मानव के बारे में सोचना है। चलिए आप। हम मीठी को क्या जवाब देंगे नानी, उसकी क्या बीतेगी? माँ जी सब कुछ ठीक से हो गया ना? हाँ बस अब नहा ले छुकरिया के नाम से और गंगा जल छिड़क ले। हम छुकरिया रो रही थी, बहुत रो रही थी। का नहीं, वो आकाश के साथ में रानी को ढूंढने गई थी। सत्यनाश हो, अब गई तो गई, अब ढूंढती रहे ना मिलेगी रानी। जान छुटी ले। ये क्या ले? बहुत मदद की ना तू हमारा, तार कारण हम माता जी से मिले हैं। रानी सुनती, अब माता जी भी खुश हम भी खुश है ना। हमारे बारे में कछु पूछा का किसी ने कि हम घर में काए ना है? हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, मगर ताज्जुब की बात ये है कि आप घर में नहीं हैं, इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं। तो अच्छा ही हुआ ना है? कोई बात, अब बिटवा जल्दी से आ जाए, कहाँ कहाँ भटकेगा वो बहुरिया के संग रानी को ढूंढते हुए। ये हमारे मानव को सारी बुरी नजरों से बचा के रखेगा, अब हम इसे अपनी नजरों से दूर जाने ही नहीं देंगे। मुक्ता, बेटे मानव के अंदर ले जाइए, बुला दीजिए उसे, देखिए उसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। मुक्ता घर वापस आ गया।
भगवान का लाख लाख शुक्र कि मानव घर वापस आ गया। कैसे मिल गया मानव? वो लोग तो रानी तो रानी चाहती थी ना बदले में। कैसे मान गए वो लोग? रानी भी घर से लापता हो गई। आउटहाउस में फटाके फोड़ने गई थी और उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। सब जगह ढूंढने की कोशिश की। आप लोगों को रानी के बारे में कुछ पता चला क्या? मीरा की मानव को आराम की जरूरत है। अरे मक्खी, रानी यहां नहीं है और हमें यह भी नहीं पता है कि वो कहां गई है। आकाश बेटा, आप इस मक्खी को घर लेकर जाइए। तुम चुप क्यों हो मुक्ता? रानी कहाँ है? मुक्ता, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या तुम जानते हो कि रानी कहाँ है? मुक्ता देखो मेरी तरफ, रानी कहाँ है? मुक्ता, रानी को हम वापस नहीं ला पाए। मीठी, क्या किया तुमने? अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अरे मैं भी मानव को बचाना चाह रहा था, लेकिन मानव को बचाने के चक्कर में मैं रानी को भी नहीं गंवाना चाह रहा था। अगर एक बार मुझसे बात करती इस बारे में तो हम दोनों को बचा सकते थे। क्या कर दिया तुमने? तुम रानी को लेकर गई थी। गलत मत समझ, मानव के लिए हमें। रानी क्या बोलो मुक्ता, रानी कहाँ है? कहाँ छोड़कर आ गए तुम रानी को? मुक्ता कुछ तो बोलो, हुआ क्या था वहां पे? कौन कौन थे? मुझे सब कुछ बताओ। मुक्ता देखो मेरी तरफ, बताओ रानी कहाँ है? मुक्ता बताओ रानी कहाँ है? हम उसे बचा कर लाएंगे, उसे घर लेकर आएंगे। गलत बात है, रियली सॉरी, पर मानव के लिए हम खुद कस बन गए थे और रानी को लेकर हम रत्ना बाई के पास गए। सुन, 24 घंटे नजर रखना इस पर। इद्दी सी है लेकिन चुहिया की तरह कहीं से भी निकल जाएगी। बहुत दौड़ाया है ना तूने? बहुत दौड़ाया मुझे, हाँ? अब अगर भागने की कोशिश की ना तो लूली लंगड़ी करके मार के फेंक दूंगी कहीं पे, समझ गई क्या? फिक्र मत करो आप भाई, इस पे तो ऐसी नजर गड़ा के बैठेंगे कि कहीं नहीं भाग पाएगी ये। तब तक मैं उन लोगों को फोन करती है कि माल आ गया है, पैसा देकर जाओ। आधा पैसा साला उतर ही झटका पड़ा है मेरा। सर रानी वहां रह गई, हमने कोशिश की थी लेकिन रानी को बचा नहीं पाई। एक बच्ची को बचाने के लिए तुमने दूसरे बच्चे। एक मक्खी, चुप हो जा तू। ये क्या दूसरा बच्चा लगा रखा तूने? तूने पैदा किया क्या उस रानी को? नानी, जहां की थी वहां चली गई वो, और उसका क्या मुकाबला हमारे मानव के साथ? अपनी कोख में 9 महीने रखा है मुक्ता ने और अपने खून पसीने से पाला उसे। तू हमसे क्या सवाल कर रही है? जाकर पूछ अपनी उस सास से, वो भी नहीं चाहती है कि वो गंदी नाली की परवरिश तेरे पास रहे।
मुफ्त की सलाह दें तुझे? तू जा उस रानी को, बहुत खतरनाक लोग हैं वो, जान चली जाएगी तेरी अगर तूने उन लोगों से दुश्मनी मोल ली तो। कोई फर्क नहीं पड़ता रानी, मैं रानी की माँ हूँ, अगर वो लोग मुझ पे हमला करेंगे ना तो मेरे हाथ भी बंधे हुए नहीं है। अगर रानी को कुछ हो गया ना तो उस रंता मैं के कोठे को मैं आग लगा दूंगी। मीठी ये जिद क्यों? अच्छा मुक्ता ने जो कुछ भी किया वो सही किया, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो जिद है, वो गलत है। ऐसा क्यों बड़ी माँ? क्योंकि मुक्ता का अपना बच्चा है मानव, इतना सा फर्क क्यों नहीं समझ रही हो तुम? और इसमें मानव की क्या गलती है? ठीक है आपने और मुक्ता ने किसी को एक नई जिंदगी देने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बदले में मानव सजा क्यों भुगते? आप लोगों की नजरों में जो कुछ भी हुआ वो सही था, लेकिन मेरी नजर में नहीं। मीठी बेटे हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन बेटे एक बात बताइए, जब से रानी आपकी जिंदगी में आई है क्या कोई भी खुश है? बेटे हमें गलत मत समझिएगा, हम जानते हैं रानी को बुलाने में वक्त लगेगा, लेकिन समझदारी इसमें ही होगी कि आप रानी को वापस लाने के लिए जिद ना करें। आप कह रहे बड़े पापा? हाँ बेटे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, आप हमारी नातिन है। नातिन जैसी हो, नातिन नहीं। खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेरी चिंता है और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं रानी की चिंता ना करूं, भूल जाओ उसे, कैसे मुमकिन हो सकता है बड़े पापा? अगर बात मानव की होती बड़े पापा तो क्या आप मुक्ता से कह पाते कि मुक्ता भूल जाओ अपने बेटे को, भूल जाओ मानव को। मीठे क्या चाहती हैं आप? रहने देती मुक्ता मानव को उन गुंडों के पास? अमरी तुम ही समझाओ उसे। मीठी घर जाओ और घर जाके ठंडे दिमाग से सोचो जो मैंने तुम्हें कहा था, ठंडे दिमाग से सोचो कि मुक्ता ने जो किया वो सही किया है या गलत किया है, ठंडे दिमाग से सोचो। आकाश मीठी को घर ले जाओ। सही कहा आप लोगों ने, मुझे घर चले जाना चाहिए और अकेले में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच तो आप सब लोगों की सोच से काफी अलग है। सही कहते हैं आप सब लोग कि वो एक वेश्या की बेटी है, इसलिए उसे उस गंदगी में वापस चले जाना चाहिए, इसीलिए आप सब लोगों ने उसे भेज भी दिया। मानव एक ठाकुर परिवार का बेटा है, एक अच्छी औरत का बेटा है, इसलिए उसे पूरा हक है कि वो एक बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन रानी को तो कोई हक नहीं बनता क्योंकि वो तो एक वेश्या की बेटी है। हाँ भैया के शब्दों में एक गंदी नाली का कीड़ा है। ये समाज यही मानता आता है और यही समाज का दस्तूर है, लेकिन मैं ये मान्यता को नहीं मानती हूँ, ठुकराती हूँ मैं उसे। वेश्या की बेटी को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक ठाकुर परिवार के बेटे को जीने का अधिकार है। Updates
log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.